सो है गाइस, तो कैसे हो? तो गाइस आज फिर से एक न्यू फिल्मी प्रोजेक्ट लेके आ गए हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस आज एक ओल्ड हिंदी सॉन्ग रिमिक्स किया हूँ। तो काफ़ी दिनों से एक फ्रेंड जो इस सॉन्ग को मिक्स करने के लिए बोल रहा था, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा था, तो सॉन्ग का नाम है पास वो आने लगे ज़ारा ज़ारा। तो ओल्ड हिंदी सॉन्ग है और ये काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, पर इसको जो मैं रिमिक्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि एफ एस मोबाइल में जो इसका बीट मैच नहीं हो रहा था, तो इसको जो काट काट करके मैंने रिमिक्स किया। बहुत सारे जो इसको काट करना पड़ा और काट करके इसको फिर मैंने MP3 में सेव करके जो रिमिक्स किया हूँ, तो इसलिए जो इसको मिक्स करने में काफ़ी टाइम लग गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि काट करके मिक्स करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए जो काफ़ी टाइम लग गया। तो फाइनली आज जो इसको रिमिक्स कर लिया हूँ, तो इसका FLM सेटिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो किस तरह से इसको रिमिक्स किया हूँ वीडियो पर आगे दिखा दूंगा। तो ढोलकी पैटर्न में रिमिक्स किया हूँ और इसका FLP का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। और FLP के अंदर जो पासवर्ड मैंने दे रखा है, पासवर्ड भी वीडियो पर मिल जाएगा आप लोग को 3 स्टेप में। तो वीडियो को जो है फुल वॉच करना। और इस संग अगर फुल MP3 में आप लोग लेना चाहते हो तो उसका भी MP3 लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हमारा FS मोबाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस मैं अपना FS मोबाइल को ओपन कर लिया हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये रहा हमारा इस सॉन्ग का जो है FLP प्रोजेक्ट। तो काफ़ी जो है मेहनत से इसको मैंने रिमिक्स किया हूँ। तो ढोलकी पैटर्न, जंपिंग ढोलकी पैटर्न वगैरह यूज़ किया हूँ और कुछ ढोलकी लूप्स वगैरह यूज़ किया हूँ। और इसका BPM 135.0 रखा हूँ। और गाइस सॉन्ग का जो मास्टरिंग है मैंने इस टाइप का किया हूँ। तो इसका जो मास्टरिंग इस टाइप का किया हूँ। तो गाइस चलिए आप लोग को जो है थोड़ा थोड़ा प्ले करके सुना देता हूँ किस टाइप का पैटर्न वगैरह इसमें यूज़ किया हूँ। तो चलो सुन लो। तो गाइस इसका स्टार्टिंग में जो है मैंने इफेक्ट्स यूज़ किया हूँ। तो इस टाइप का जो इफेक्ट्स वगैरह इधर यूज़ किया हूँ और इसका के इधर कुछ क्लब वगैरह जो यूज़ किया हूँ, तो इस टाइप का जो सैम्पल यूज़ किया हूँ इधर। और नीचे इधर हमारा जो है DJ वॉइस है और इधर एक ढोलकी लूप्स यूज़ किया हूँ और इसको मास्टरिंग किया हूँ इस टाइप का। फिर इसके आगे ब्रेक यूज़ किया हो और इसके बाद जो है ढोलकी पैटर्न यूज़ किया हो। तो इसके अंदर क्या क्या सैंपल यूज़ किया हो देख लो। तो चलिए और भी आगे सुना देता हूँ। तो गाइस इधर एक जो है टापुरी टाइप का पैटर्न है इसको यूज़ किया हूँ। तो सैम्पल देख लो। तो इस टाइप का पैटर्न जो यूज़ किया हूँ और इसके आगे फिर से ढोलकी पैटर्न यूज़ किया हूँ। तो गाइस इधर जो एक अलग ढोलकी लूप्स यूज़ किया हूँ। तो पहले वाला जो था वो अलग था, तो ये वाला जो है अलग था और ये वाला अलग है। तो इसको जो इधर यूज़ किया हो और इसके आगे फिर से पैटर्न वगैरह यूज़ किया हो और इसका मास्टरिंग सेम रखा हो। तो गाइस इधर जो इस टाइप का पैटर्न जो यूज़ किया हूँ
तो इधर वाइब्रेशन किक है तो यूज़ करो वाइब्रेशन किक, और नीचे जो है वोकल इफेक्ट्स यूज़ करो, तो इफेक्ट्स और वोकल वगैरह जो है कुछ यूज़ किया हो, और इधर जो है घुंघरू यूज़ किया हो, तो इसके के फिर से पैटर्न वगैरह यूज़ किया हो। तो गाइस ये जो पूरा सॉन्ग है इसको मैंने इस टाइप का रिमिक्स किया हूँ, तो बहुत ही मेहनत जो है लगा है इसको मिक्स करने में, और नीचे वोकल वगैरह मैंने जो यूज़ किया हूँ मास्टरिंग किया इस टाइप का। तो गाइस इसका रिमिक्स उम्मीद करते हो आप लोगों को पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।